मूवमेंट आया था करीबन 8,500 से लेके नीचे में देखे तो करीबन 7 तक का एक फॉल देखा गया था। 1,000 पॉइंट का फॉल है, इतना बड़ा फॉल हमने पिछले 2008 में देखा था, जो इतना स्ट्रांग फॉल था। इसके बाद रहा ये एक टेम्पररी पुल बैक हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल रुख देखा था शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक सकारात्मक रुख है। यहाँ पर 8,050 तक जाने की गुंजाइश है निपटिंग हुई है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो अगर ट्रेडर पोजिशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में नीचे का जो कल का क्लोजिंग था करीबन 7,700 के आसपास के रखिए, और अगर और ऊपर में यहां पर 7,820 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज हो पाता है तो 8,050 का लेवल है जो हम देख रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बाई होनी चाहिए और गैप का स्टॉप रख के चलना चाहिए। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़े हैं। सुरेंद्र हैं हमारे साथ हरियाणा से अपना सवाल लेकर। क्या है सवाल आपका? स्टॉक पे अगर देखा जाए तो ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं बन पाया ऊपर की ओर में, और यहाँ पर इन्हें अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ से कोई भी पुल बैक 170 के आसपास आता है तो वहां पर एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, तो फिलहाल तहत दाम घटाए जाए, जो पेमेंट स्केड्यूल है उसे भी रिवाइज किया जाए, क्योंकि जो पुरानी इन्वेंटरी है उसका काफी पाइलअप ऑलमोस्ट सारे ही बिल्डर्स के पास हो चुका है, और उसके चलते रियल एस्टेट कंपनियां, तो ये काफी अहम ट्रिगर है। और वैसे भी हमने आशीष अच्छी खासी स्ट्रेंथ रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी है पिछले 1-2 दिनों में। आपका व्यू इन स्टॉक्स पर क्या है? देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में जैसे कि डीएलएफ की बात की जाए या एचडीआईएल की, अगर लंबी अवधि से देखा जाए तो इसमें काफी दबाव बना हुआ है, और ये जायज है, प्रेशर रियल एस्टेट मार्केट में देखने मिला है, उस कारण से स्टॉक्स में भी दबाव बना हुआ है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी गई है, डीएलएफ में भी अच्छी 93 के आसपास से देखा गया है, तो ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनना चाहिए। यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा जा सकता है, ऊपर में करीबन 126 स्टॉक के लिए और नीचे में सपोर्ट 93 का है, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट होगा और उसके बाद में एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ सकता है लग रहा है, लेकिन 140 के ऊपर अगर डीएलएफ क्रॉस करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम बन पाएगा। तो फिलहाल इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो पॉजिटिव रुख रख के चलना चाहिए, और स्टॉप लॉस 90 के आसपास अगर पोजिशनल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 90 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए, 90 का एक स्टॉप लॉस और 140 के ऊपर एक अच्छी 40।